मॉर्निंग क्लास क्लास एट हिंदी मीडियम सब्जेक्ट कंप्यूटर चैप्टर नंबर 5 है आपका एमएस एक्सेल पेज नंबर है 36। क्वेश्चन आंसर चल रहे हैं आपके। आप जब भी कोई वीडियो देखें मोबाइल से आंखों की दूरी 25 सेंटीमीटर हो, आंखों को नुकसान ना पहुंचे। और एक बात, आपको विद्यालय में अपनी कॉपी को काम पूरा करने के बाद भेजनी है जिससे कि हम उसकी चेकिंग कर सकें और आपकी गलतियों को बता सकें। क्वेश्चन नंबर 2 चलने वाला, चार कितने प्रकार के होते हैं आजकल यही पढ़ेंगे हम कि चार क्या है, इसका प्रयोग क्या है। देखिए एमएस एक्सेल में आपको पता क्या है, एमएस एक्सेल क्या है, स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जो एक प्रकार की शीट से बनी होती है। और यह शीट किससे मिलकर बनती है, आपकी रो तथा कॉलम से मिलकर क्या बनता है आपका एमएस एक्सेल की जो स्प्रेडशीट है वो आपकी तैयार होती है। आप इसमें किसी भी प्रकार की सारणी को तैयार कर सकते हैं। सारणी किसकी बनी होती है, रो तथा कॉलम से मिलकर आपकी सारणी बनी होती है। बात करते हैं चार्ट। देखिए चार्ट का प्रयोग क्या है, आप इसमें किसी भी वर्कशीट में जो आपका डाटा भरा हुआ है आप उसी के आधार पर किसी भी चार्ट को तैयार कर सकते हैं। आप इसमें कैसा भी चार्ट बना सकते हैं, इसमें आप चार्ट विजार्ड के माध्यम से भी चार्ट बना सकते हैं। एक तो तरीका है कि आप चार्ट विजार्ड के माध्यम से, और दूसरा तरीका है कि आप चार्ट विजार्ड के माध्यम से भी चार्ट को तैयार कर सकते हैं। स्टूडेंट्स बात करते हैं चार्ट के प्रकार। देखिए चार्ट के आपके जो है 5 प्रकार होते हैं। सबसे पहले कौन सा आपका कॉलम चार्ट। कॉलम चार्ट क्या है, यह डाटा के मध्य तुलना करने के लिए प्रयोग होता है। बाय चांस आपको किसी भी क्लास में टॉप 10 बच्चों के नाम दिए हुए हैं और टॉप 10 बच्चों के आपको मार्क्स दिए हुए हैं, तो आप विद द हेल्प ऑफ कॉलम चार्ट, आप कॉलम चार्ट के माध्यम से उन बच्चों के जो अंक है आप उसको डार्क कॉलम चार्ट से प्रदर्शित कर सकते हैं तथा उनके मध्य जो भी उनके अंक है हम उसमें कंपेयर कर सकते हैं, तुलना उसमें हम कर सकते हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्या आपका बार चार्ट। देखिए बार चार्ट क्या होता है, इसमें प्रत्येक वस्तु यानी अलग अलग जो आपकी वस्तु होती है या उनकी जो स्थितियाँ होती है आप उसमें क्या कर सकते हैं, कंपेयर आप कर सकते हैं। जैसे मैं बात करूँ कि 2019 में जो GDP थी वो क्या है, या अब 2020 चल रहा है इसमें GDP कोरोना के चलते क्या हुई, -27% हो गई है, तो GDP क्या है उसकी ग्रोथ रेट यानी कितना ग्रोथ हुआ, कितना बढ़ा है, कितना लॉस हुआ, तो हम अलग अलग वस्तुओं की तुलना कर सकते हैं। उसमें क्या निकाल सकते हैं, अलग अलग वस्तुएं जैसे कि आपका किसी भी सामान के ऊपर निकाल सकते हैं, बैग्स के ऊपर, मोबाइल के ऊपर, एक्सेसरीज के ऊपर, सब में निकाल सकते हैं, हम तुलना कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका लाइन चार्ट। देखिए लाइन चार्ट में क्या होता है, इसमें विभिन्न डाटा श्रेणियों के मानों को विभिन्न बिंदु द्वारा दिखाया जाता है, यानी इसमें जो डाटा होता है उसको अलग अलग बिंदुओं के द्वारा हम शो करते हैं। और इसके अंदर क्या किसकी तरह का होता है, इस अंदर के अलावा लाइन चार्ट किसकी तरह होता है, कॉलम चार्ट की तरह इसमें भी आप होता है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्या है आपका एरिया चार्ट। एरिया चार्ट क्या होता है, किसी भी सीरीज में विभिन्न प्रकार के डाटा में निरंतर होने वाले बदलाव, यानी अगर डाटा में आपका किसी भी प्रकार का कोई भी आपका बदलाव होता है समय अनुसार का, कोई किसी प्रकार कोई चेंजेस आपका अचानक हो गया तो मुझे शो करते हैं एरिया चार्ट के माध्यम से। नेक्स्ट क्या आपका लास्ट क्या आपका पाई चार्ट। देखिए पाई चार्ट होता क्या है, पाई चार्ट इसमें केवल एक ही डाटा श्रेणी को दिखाया जाता है और यह जो है एक सर्किल यानी वृत्त के आकार में होता है। और जिस प्रकार जैसे आपके एक एप्पल होता है, एप्पल के आप पीसेस करते हो अलग अलग, किसी को छोटा किसी को बड़ा, इसी प्रकार इसमें भी हम डाटा को अलग अलग रूपों में देख सकते हैं लेकिन एक वृत्त के माध्यम से। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपको याद भी करना है, उतारना भी, और साथ में विद्यालय में कॉपी भेजने चेकिंग के लिए। थैंक यू।